वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीटीसी बस रूट 175 की। दोस्तों, ये बस लामपुर बॉर्डर से आजादपुर टर्मिनल तक जाती है और इस बस की सुबह चलने की जो टाइमिंग है, सुबह 9:40 से शाम 6 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान 46 स्टॉप आते हैं, जो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं दोस्तों इस बस के रूट की। इसका पहला स्टॉप जो आता है, जहां से ये बस चलाई जाती है, लामपुर बॉर्डर। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है, वशिष्ठ नागरिक सेवा सदन लामपुर। फिर जो स्टॉप आता है, लामपुर गाँव। दोस्तों, अब जो स्टैंड आता है, अग्ररस पब्लिक स्कूल। अगला स्टैंड जो आता है, सर्वोदया विद्यालय बैंकर। फिर जो स्टैंड आता है, बैंकर गांव। और अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है बैंकर न्यू बस्ती। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है, लामपुर एक्स इंग। इसके बाद जो स्टॉप आता है, नरेला टर्मिनल। दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में मार्शल और उनके लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिनसे वो दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हैं। और दिल्ली में ऐसी महिलाएं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड फोन है, वो महिलाएं भी अब इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दिल्ली पुलिस की मदद ले सकती हैं। नंबर है 9223166166। और दोस्तों, अगर हम हिम्मत प्लस ऐप के बारे में बात करें तो आप अपने घरों की महिलाओं के मोबाइल फोन पर हिम्मत प्लस ऐप को भी जरूर रखें। ये ऐप खास तौर से दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप में QR कोड से भी कई टैक्सी, ऑटो, कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है। दोस्तों, हिम्मत प्लस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। SOS के बटन को दबाते ही आपके फोन से ऑटोमेटिक ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके फोन की करंट लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिल जाएगी और आपकी सुरक्षा की जा सकेगी। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर, नरेला टर्मिनल। स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है, PS नरेला। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है, पुलिस स्टेशन नरेला। इसके बाद जो स्टॉप आता है, साफियाबाद जिंग। अब जो स्टैंड आता है, रामदेव चौक पिथोरी झोरी। अगला स्टैंड जो आता है दोस्तों, गुरुकुल गौशाला। फिर जो स्टैंड आता है, सेक्टर A5 & 8 नरेला देसु कॉलोनी। और अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है पुलिस कॉलोनी नरेला। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है, सेक्टर 5-6 नरेला। इसके बाद जो स्टॉप आता है, नरेला B4 पॉकेट 13। इन बसों के रियल टाइम टेबल, बस रूट और बसों की पूरी जानकारी आप अपने गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली डीटीसी बस को ट्रैक कर सकते हैं। आपके नियर बाय जितनी भी डीटीसी बसें चल रही हैं, उन सभी की जानकारी भी आप अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जिससे आपको दिल्ली में किसी भी डीटीसी बस के लिए आपको बस के स्टॉप पर काफी देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपका बहुत सा कीमती समय भी बचेगा। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर, जो आता है B2 नरेला ई ब्लॉक। इसके बाद जो स्टॉप आता है, सिंघोला गाँव। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है, सिंघोला क्रॉसिंग। अब जो स्टैंड आता है, AMPC टिकरी खुर्द। अगला स्टैंड जो आता है, खामपुर गाँव। फिर जो स्टैंड आता है, बकुली गाँव। और दोस्तों, इस बस का नेक्स्ट स्टॉप जो आने वाला है, शनिधाम मंदिर। और अगर आप इस बस में रोजाना ट्रेवल करते हैं तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप शनिधाम मंदिर जरूर जाएं। दोस्तों, अब जो स्टैंड आता है, जिंदपुर। अगला स्टैंड जो आता है, बुधपुर। इसके बाद जो स्टैंड आता है, बुधपुर GT रोड। दोस्तों, अब आप भी अपने मोबाइल फोन से डीटीसी बसों में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में बैठे कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके टिकट या पास ले सकते हैं। डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए जो फ्री पिंक पास बनता है, वो पास भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। दोस्तों, चार्टर ऐप के QR कोड दिल्ली की हर डीटीसी बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं।
और किसी भी एक DTC बस के पूरे स्टॉप आप उस ऐप के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे दी है, आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बुधपुर GT रोड स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है जैन मंदिर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है नानगली पूना, इसके बाद जो स्टॉप आता है गुरुद्वारा, दोस्तों अब जो स्टैंड आता है स्वरूप नगर, अगला स्टैंड जो आता है लिबासपुर GT रोड, फिर जो स्टैंड आता है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर जो आता है मुकरबा चौक, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है GT के डिपो, इसके बाद जो स्टॉप आता है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन। दोस्तों अब दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं जिससे कि पोल्यूशन जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। इन बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, GPS, अलार्म, महिलाओं के लिए पिंक सीटें दी गई हैं, दिव्यांगों के लिए नीलिंग रैम की सुविधा, और सबसे खास बात इन बसों के चलने पर ये बसें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करती हैं। दोस्तों अगर आपने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों में ट्रैवल कर लिया है और इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो भी आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल DTC पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल ID है dillydtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर जो आता है महिंद्रा पार्क, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सराय पीपल थाला, इसके बाद जो स्टॉप आता है आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, अब जो स्टैंड आता है भरोला गांव, अगला स्टैंड जो आता है न्यू सब्जी मंडी, इसके बाद जो स्टैंड आता है केवल पार्क, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है आजादपुर टर्मिनल तक ये बस चलाई जाती है। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो DTC बस रूट 502 पर थी जो कि मेहरूली टर्मिनल से कश्मीरी गेट ISBT तक चलाई जाती है। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है, इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। दोस्तों AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। दोस्तों DTC बसों के रूटों के सभी नंबरों पर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी, तो सभी वीडियो को पूरा वॉच करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।